दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में भारत की जब लूट शुरू हुई विदेशियों के द्वारा, तो ये लूट बहुत छोटे पैमाने पर नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर है। कम से कम जो लुटेरे यहाँ आए और जो कुछ संपत्ति लेकर गए, उनका वर्णन अगर इकट्ठा किया जाए और उन सब वर्णनों के आधार पर जो लूटा हुआ माल इकट्ठा कर लिया जाए, तो सोना ही इतना निकलता है कि भारत के एक एक गाँव की सड़क सोने से बन सकती आज। इतना सोना लूट कर वो ले गए। जैसे उदाहरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम गुजरात आता है और अकेले गुजरात में 3 महीने के अंदर 22 मीट्रिक टन सोना लूट के लेके जाता है, सिर्फ 3 महीने के अंदर, मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 3 महीने। फिर उसके बाद सोमनाथ के मंदिर की कहानी तो आप सब जानते हैं, 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में, और आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं 17 बार लूटा है, हर साल लूटा है, और एक एक साल में जो संपत्ति वहां से गई है उस संपत्ति को 17 साल लगातार जोड़ दिया जाए तो सौराष्ट्र के एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाए, इतना लूटा है सोमनाथ के मंदिर को। और सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनबी अपनी लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में, जो फारसी भाषा में उपलब्ध है, जिसका हमने हिंदी और अंग्रेजी भाषांतर कराया, उसमें वो कह रहा है कि मैं अगर 50 साल भी जिंदा रहूं तो इस एक मंदिर को ही लूटने के लिए समय काफी नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि वो एक बार नहीं 2 बार आया, 2 बार नहीं 3 बार आया, 3 बार नहीं 17 बार आया, 18वीं बार मर गया, नहीं तो फिर आने वाला था। तो वो कह रहा है कि अगर मैं 50 साल और जिंदा रहूं तो इस एक मंदिर को लूटने के लिए समय कम पड़ेगा। मैंने उस एक ही मंदिर में इतनी संपत्ति है जिसको लूटने के लिए किसी एक व्यक्ति को 17 बार आना पड़ता है। और ये सोमनाथ का मंदिर तो एक कहानी है, ऐसे हिंदुस्तान में हजारों मंदिर हैं, मठ हैं जो लूटे गए हैं, जिनकी संपत्ति भारत से बाहर गई है। और ये कहानी शुरू होती है 10वीं 11वीं शताब्दी से और ये अंत होती है 15 अगस्त 1947 को। इस पूरे पीरियड में जो भारत की लूट हुई है, उनमें जो मुख्य लुटेरे भारत में आए हैं, दुर्भाग्य से उन सबको भारत के इतिहास में हीरोज के रूप में पढ़ाया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में वो सब ग्रेट हीरोज के नाम से पढ़े जाते हैं। उदाहरण के लिए झामोरिन के राज्य को लूटने वाला वास्को डी गामा भारत के इतिहास में महान नाविक था, बहुत बहादुर था, ऐसा पढ़ाया जाता है।